फिल्म अभिनेता से नेता बने भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी के कक्ष में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा यूपी में 74 सीटों पर जीत हासिल करेगी। नामांकन के ठीक पहले उन्होंने कहा कि शंखनाद हो चुका है, पूरा देश जानता है मोदी जी और योगी जी जीत रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में हवन पूजन रुद्राभिषेक के बाद रवि किशन सीधे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां पर जनसभा में लोगों का अभिवादन करने के बाद वे ठीक 12:45 के करीब सीधे कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। प्रस्तावक और समर्थकों के साथ वह जिलाधिकारी के कक्ष में प्रवेश किए। गोरखपुर की पावन धरती पर भी एक उत्तेजना दिखाई दे रही है। 2018 के चुनाव में महज 22,000 वोटों से भाजपा हार गई थी। इस छल का बदला लेना है। यह उत्तेजना और आक्रोश इस बात का है कि जो सीट 50 साल से मंदिर के पास थी उसे छल से ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि योगी जी, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की 2019 में चुनाव जीत होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर सदर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन ने कहा, उधर दक्षिण है, इधर उत्तर। हाँ बस हो गया, हर हर महादेव कम बम बम हो गया था। हाँ
धन्यवाद। नॉमिनेशन हो गया, कितनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी है मान रहे हैं आप? ये बहुत बड़ी एक आप शपथ लिए हम अंदर मजिस्ट्रेट साहब के साथ, डीएम साहब के सामने, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप भारत सरकार की सेवा के लिए आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भारत देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, छोटा मोटा नहीं, एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू। या